नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज के कर्नलगंज में अपहरण के मामले पर लगा विराम। एसपी सिटी ने युवक को सकुशल किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र से गुरुवार की शाम लंबे चौराहे से एक युवक का अपहरण हो गया। अपहरण की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। प्रयागराज शहर के कर्नलगंज कोतवाली अंतर्गत कटरा मनमोहन पार्क के समीप स्थित नलनी फोटो स्टेट के सामने की घटना है। यहां पर नाले नीले रंग की कार से आधा दर्जन लोग अचानक आकर के रुके और पैदल जा रहे एक व्यक्ति को पहले तो थप्पड़ों से पीटा, उसके बाद कार में बैठा लिया और भाग निकले। मीडिया की जानकारी देते हुए एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पैसे को लेकर के दोनों पक्ष में आपस में विवाद चल रहा था। आज एक पक्ष के द्वारा आरोपी को गाड़ी में बैठा करके ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को सकुशल बरामद की और घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि संगम नगरी में दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। सामने आया है जिसमें वीडियो भी सामने आया, क्या सच्चाई है इसमें और क्या कार्रवाई की? इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तत्काल ही चेकिंग होकर लगाई गई सब तरफ। उसमें करेली में ये लोग पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जो लड़का जिसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया जा रहा था रजनीकांत, वो भी मिले हैं। वो करछना के रहने वाले हैं, तहसील क्षेत्र के। अभी आरंभिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि करछना में तहसील क्षेत्र में उनका एक जूनियर हाई स्कूल है जिसका ये मैनेजर है, और वहाँ पर अपॉइंटमेंट के नाम पर ये दो लोगों के पैसा ले रखे थे, जिसमें एक किसी का अपॉइंटमेंट हो भी गया और एक का नहीं हो पाया है। दूसरे पक्ष के मुताबिक इनके 13.5 लाख रुपया का इनके पे ड्यूज बनता है, जिसको लेके कई बार इनकी बैठकें हुई, पंचायत हुई, लेन देन की बात हुई, तो वो नहीं दे रहे थे। इसलिए इन्होंने इस तरह की हरकत की आज, जो बिल्कुल गैर कानूनी है और कहीं से भी इसको औचित्यपूर्ण नहीं है। जितने लोग इसमें शामिल है सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें लोग पकड़े गए हैं, गाड़ी भी बरामद हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। कितने लोग पकड़े गए हैं? सभी लोग गाड़ी में जो बैठे थे चार लोग। कितना रुपये में सौदा किए थे भर्ती का नाम बता दिया था आपको, 13.5 लाख था उसमें।